तो हाँ, तो दोस्तों हाजिर हैं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वीडियो लेकर। तो जैसे कि दोस्तों आप सभी लोगों को पता है, हमारे चैनल पर एक बहुत ही जबरदस्त टावर होम थिएटर की वीडियो आने वाली है। तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको उसी जबरदस्त टावर होम थिएटर का बॉक्स बनाकर दिखाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक होने वाला है कि जबरदस्त टावर होम थिएटर के बॉक्स को कैसे बनाएं। तो आज की वीडियो में आपको ये बताऊंगा, जब भी आप टावर होम थिएटर का बॉक्स बनाएं, किस तरह से आपको इसका बॉक्स बनाना है और क्या उसका आपको साइज रखना है और किन किन बातों का आपको दोस्तों ध्यान रखना चाहिए। और देखिए दोस्तों, वीडियो में आपको बता दूं, आज की वीडियो के बीच में या लास्ट में मैं आपको अपनी तरफ से एक बहुत ही जबरदस्त टिप्स देने वाला हूँ। तब भी आप इस तरह का बॉक्स बनाओगे, वो टिप्स आपको बहुत ही ज्यादा काम आएगी। तो दोस्तों वीडियो आज की बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, कृपया करके आप वीडियो को पूरा देखें। और दोस्तों जो नए लोग हैं वो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हम टावर होम थिएटर का बॉक्स किस तरह से बनाते हैं।
ये देखिए दोस्तों, अभी जो हमारा टावर होम थिएटर का बॉक्स है वो बनकर यहाँ पर तैयार है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको ये बता देता हूँ किस तरह से हमको इस बॉक्स को असेंबल करना है, कहाँ पर हमारी क्या चीज़ें लगेंगी। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं फ्रंट की तरफ। चार होल दोस्तों हमारे 6 इंच के स्पीकर के हैं, एक एयर पाइप का है और एक ब्लूटूथ कार्ड का है। और दोस्तों जैसे कि आप वीडियो में इसका बैक पैनल देख पा रहे हो, ये जो बैक पैनल है वो इसका रिमूव हो सकता है। 6 स्क्रू मैंने यहाँ पर दिए हैं, यहाँ पर जैसे कि आप देख भी पा रहे हो 6 स्क्रू हमको देखने के लिए मिल जाते हैं। हम इसके बैक पैनल को यहाँ से निकाल सकते हैं और अपने एम्पलीफायर वगैरह की कोई सेटिंग वगैरह करनी हो तो वो भी हम यहाँ पर कर सकते हैं। और ये जो आप होल देख पा रहे हो, ये हमारे फैन का होल है, तो इसको रखता हूँ अभी मैं यहाँ पर साइड में। और ये देखिए दोस्तों, ये जो आप केबिन देख पा रहे हो, ये हमारे एम्पलीफायर वगैरह का केबिन है। एम्पलीफायर वगैरह दोस्तों हमारे इसके अंदर लगने वाले हैं। एक साइड हमारा यहाँ पर एम्पलीफायर लगेगा और पावर सप्लाई वगैरह भी इसी के अंदर लगेगी। अगर दोस्तों मैं आपसे यहाँ पर टोटल केबिन की बात करता हूँ, तो एक केबिन दोस्तों हमको यहाँ पर एम्पलीफायर का देखने के लिए मिल जाता है, दूसरा जो केबिन है वो हमारा सबवूफर का देखने के लिए मिल जाता है, और तीसरा जो केबिन है वो हमको यहाँ पर अपना स्पीकर का देखने के लिए मिल जाता है। तो जो हमारा टोटल टावर सबवूफर का बॉक्स है वो कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों अभी टावर होम थिएटर का बॉक्स मैंने आपको दिखाई दिया है, तो अब बात करते हैं दोस्तों इसके साइज की, क्या कुछ हमको इसका साइज देखने के लिए मिल जाता है। तो साइज बताने से पहले मैं आपको बता दूं, देखिए दोस्तों ये टावर होम थिएटर का बॉक्स हमने 1.5 इंच MDF के अंदर बनाया है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इसके साइज की, अगर मैं इसके फ्रंट की साइज की यहाँ पर बात करता हूँ तो 7 इंच दोस्तों इसका फ्रंट का साइज है। अगर मैं यहाँ पर इसकी चौड़ाई की यहाँ पर बात करता हूँ, गहराई की यहाँ पर बात करता हूँ, तो 15.5 इंच दोस्तों इस बॉक्स की गहराई है। अगर मैं इसकी हाइट की यहाँ पर बात करता हूँ, तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर जैसे कि आप देख भी पा रहे हो 37.5 इंच दोस्तों इसकी हाइट है। तो अब बात करते हैं दोस्तों इस बॉक्स के फ्रंट की, तो ये जो आप इसका फ्रंट देख पा रहे हो, अगर मैं यहाँ पर स्पीकर के बॉक्स की गहराई की यहाँ पर बात करता हूँ, तो 3.25 इंच के आसपास हमको इन स्पीकर के बॉक्स की गहराई देखने के लिए मिल जाती है। अगर मैं यहाँ पर दोस्तों इसके केबिन की बात करता हूँ, तो जो टोटल हाइट है वो हमारी 37.5 इंच है। अगर मैं दोस्तों आपसे इसके अंदर के साइज की यहाँ पर बात करता हूँ, तो जो हमारा टोटल केबिन है वो 36 इंच का है, और 18 इंच में दोस्तों हमने यहाँ पर अपना सबवूफर का केबिन लिया है, और 18 इंच के अंदर दोस्तों हमने यहाँ पर अपना एम्पलीफायर का केबिन लिया है। तो कुछ इस तरह से दोस्तों हमने इस टावर होम थिएटर के बॉक्स को बनाया है। साइज वगैरह भी दोस्तों मैंने आपको इसका बता ही दिया है। तो अब बात करते हैं दोस्तों टिप्स की, तो टिप्स दोस्तों आपके लिए ये है, अगर आप इस तरह का टावर होम थिएटर का बॉक्स बना रहे हो और आपको फ्रंट में 6 इंच के स्पीकर लगाने हैं, तो आपके लिए दोस्तों टिप्स ये है, जैसे कि हमने यहाँ पर इसको 7 इंच इसकी यहाँ पर चौड़ाई रखी है, तो आपको दोस्तों यहाँ पर 8 इंच रखनी है। उसमें होगा क्या दोस्तों, जब भी आप यहाँ पर अपने स्पीकर के होल करोगे तो आपको काफ़ी आसानी देखने के लिए मिल जाएगी, और फ्रंट से जो लुक है इसका वो भी आपको काफ़ी अच्छा देखने के लिए मिलेगा। तो अब बात करते हैं दोस्तों साइड की, तो साइड में दोस्तों आपके लिए टिप्स ये है, जैसे कि आप दोस्तों यहाँ पर ये साइड देख पा रहे हो, मैं इसके यहाँ पर गहराई के यहाँ पर बात कर रहा हूँ, तो ये जो आप इसका अंदर की तरफ पैनल देख पा रहे हो, इतना पैनल दोस्तों 1.5 इंच ये है, 1.5 इंच ये है। अगर मैं यहाँ पर अंदर के पैनल की यहाँ पर बात करता हूँ, तो यहाँ पर हमने इस पैनल को 14 इंच लिया है, लेकिन दोस्तों आपको यहाँ पर 15 इंच लेना है। उससे होगा क्या दोस्तों, ये जो दोस्तों आप यहाँ पर सबवूफर का होल देख पा रहे हो, ये एक साइड में हमको यहाँ पर करना पड़ा है। अगर आप इसको 15 इंच रखोगे तो आप ये जो सबवूफर का होल है वो आप बीच में ही कर पाओगे। तो ये दोस्तों आपके लिए मेरी तरफ से टिप्स था। तो ये था दोस्तों हमारी वीडियो का पार्ट 1, जिसमें मैंने आपको बॉक्स बनाना बताया है और क्या कुछ इसका साइज है वो बताया है। तो नेक्स्ट वीडियो मैं दोस्तों आपको इसको असेंबल करके दिखाऊंगा, किस तरह से हमको इसके कनेक्शन करने हैं, किस तरह से हमको इसको असेंबल करना है। और देखिए दोस्तों, अगर आपका कोई सवाल हो या फिर कोई सुझाव हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी है ये आपको कमेंट करके बताना है। अगर देखिए दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और दोस्तों जो नए लोग हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की नॉलेज वाली वीडियो जब भी मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन मिले आपको सबसे पहले, और सबसे पहले दोस्तों आप वीडियो को देख पाएँ। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं एंड, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।